ओके तो भैया देखो, ऐसा है कि फेसबुक के ऊपर अगर आप परफॉर्मेंस बोनस से पैसा कमाना चाह रहे हो तो भाई कमा सकते हो। मल्टीपल आपके पास तरीके हैं, और अभी मेरा पर्सनली सजेशन है कि अगर आप फोटोज़ ज़्यादा डालें तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, पहली बात। सेकंड, दूसरा, आप रील्स भी अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली ऑल ओवर आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ही आपको वहाँ पर बोनस आपका इंक्रीज़ होगा। बट बहुत सारे लोगों का एक डाउट है कि जिन लोगों ने इनिशियल लेवल पे जब वो सेटअप कर रहे थे या सेटअप हो गया था, शायद नहीं हुआ था, अनकम्प्लीटेड कुछ भी थी जिसमें सबका पे आउट डिटेल्स हो सकता है, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आप पे आउट डिटेल्स पे जब ऐड करने जा रहे हो तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा आ रहा है, यानी कि वहाँ पे भैया आपका इंडिया कंट्री शो ही नहीं कर रहा है। अब आखिर में इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या सेटअप कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले आप लाइव प्रूफ देख लो ताकि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए और ऐसा ना हो कि भाई कि सब गड़बड़ कर दो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, ये मेरा खुद का अपना ऑफिशियल पेज टैक राजमन, और आप देखोगे यहाँ पे मैं बेसिकली अभी हूँ परफॉर्मेंस बोनस के सेक्शन पे हूँ, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, बहुत सारे भैया बोलते हैं कि ये सब ऐसे दिख रहा है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन देखो अब यहाँ पे देखोगे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, इसलिए तो यहाँ पे मेरा ये परफॉर्मेंस बोनस है जिसमें मेरे पास जैसे यहाँ पे 10 दिन बचे हुए हैं, 25 सितंबर तक का मेरे पास टाइम है, एंड डेट है, और इसके बाद में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने यहाँ पे बोनस जो जनरेट किया ऑलमोस्ट $9 है, मात्र सिर्फ $9 हुए हैं अभी। और नीचे आप नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा ये आ रहा है कि भाई आपका यहाँ पर देखोगे ऐड योर पे आउट, ऐड योर पेमेंट डिटेल्स टू क्लेम योर बोनस, यानी कि अगर आप पेमेंट डिटेल्स अपडेट नहीं करते हो तो आपका जो बोनस है, जो भी आपका रेवेन्यू है, वो ऐसे ही रह जाएगा। साथ ही यहाँ पे लिखा आता है फिनिश सेटअप योर पे आउट अकाउंट सो दैट यू कैन रिसीव योर अर्निंग फ्रॉम परफॉर्मेंस। अब प्रॉब्लम्स क्या हो रही है यहाँ पर, जैसे ही हम ऐड पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे आ जाता है भाई, ये सब आ जाता है, और यहाँ पे देखो नोटिस करो क्या लिखा आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो कंट्री आ रही है वो आ रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्या इस कंडीशन में हमारे को इस पर नेक्स्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई भैया देखो, ऐसा है, पर्सनली मेरा सजेशन है कि आप इसको नेक्स्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट कर दिया, अच्छा चलो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो ये तो एक अकाउंट हो गया ना, मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी अपने इनका, चलो इनका ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर मैं बोनसेस वाले सेक्शन पे आता हूँ तो आप इनके भी अकाउंट पे देखोगे $42 का ऑलमोस्ट रेवेन्यू हुआ है, और यहाँ पे देखोगे 26 सितंबर तक का इनके पास भी 11 दिन का टाइम है, और इन्होंने भी जो रेवेन्यूज यहाँ पे जनरेट किए हैं लगभग लगभग $42 का जो रेवेन्यू जनरेट किया है। बट अगर ऐड पेमेंट डिटेल्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके पास यहाँ भी सामने आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि इसको हमें अप कर देना, यानी इसका नेक्स्ट कर देना, इसका बिल्कुल भी ऐसा मत करो। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, देखो अब इस कंडीशन में आपको बस सिंपल सा काम करना है कि अभी होल्ड करो, नेक्स्ट पे आउट, नेक्स्ट जो आपका बोनस है वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे ये एंड होगा दूसरा वाला चालू हो जाएगा, आपकी रेवेन्यूज अपडेट होती रहेंगी, आपकी रेवेन्यूज जनरेट होती रहेंगी। बात करते हैं यहाँ पे कि इसको हमें नेक्स्ट करें या ना करें, अभी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो होगा क्या, देखो कंट्री आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, बैंक डिटेल आपका इंडिया का रहेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी रहेंगी इंडिया की, एड्रेस भी आपका इंडिया का, पिन कोड भी इंडिया का, पैन कार्ड भी इंडिया का, सब कुछ इंडिया का आप डालोगे, लेकिन कंट्री कौन सी हो गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इस केस में आपके साथ क्या होगा, इन एलिजिबल कंट्री का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो इसलिए पर्सनली मेरा सजेशन है कि आप इस पर क्लिक मत करो और इसको नेक्स्ट मत करो, अभी आप होल्ड करो जब तक यहाँ पे इंडिया ना शो होने लग जाए। और इसमें कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा कर लो वैसा कर लो ऐसा हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ऑटोमेटिक सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ऐसे जब रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम आया था सेम कंडीशन ही लोग देखते नहीं थे, फटाफट नेक्स्ट कर देते थे, पता चला कंट्री वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट रहती थी। अब उस कंडीशन की वजह से इनएलिजिबल कंट्री का सामना करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो पर्सनली गाइस आई सजेस्ट यू नेक्स्ट मत करो, अभी आप वेट करो, जैसे ही यहाँ पर आपके पास में इंडिया कंट्री दिख जाती है तब आप अपना पे आउट का आगे बैंक डिटेल वगैरह डाल के उसको सेटअप कंप्लीट कर दो। अच्छा, जिन्होंने सेटअप कर दिया है और यूनाइटेड स्टेट के साथ, तो भैया अभी आपका कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल, अभी आप सिर्फ धैर्य रखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के हेल्प सेंटर पर जाके रिपोर्ट कर सकते हो और फेसबुक टीम से बात करके अपना सोल्यूशन वहाँ से ले सकते हो, यही आपके पास समाधान है, अन्यथा इसके अलावा आपके पास कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। सो एक ही चीज़ है, सेटअप नहीं करना है,
इंतज़ार करना है जब तक इंडिया ना शो होने लग जाए, बाकी आपकी मर्जी है। आपको आपका दिल करता है तो आपकी इच्छा है, अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप सेटअप कर सकते हैं। बट पर्सनली मेरा सजेशन है कि आप सेटअप मत करें, नहीं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सब आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सो गाइस आई होप, अच्छा एक और चीज़ बता दो, मे भी हो सकता है आपको मोबाइल में ये चीज़ देखने को ना मिले, फटाफट आप सेटअप कर दो, लेकिन ध्यान रखना इंडिया नहीं दिख रहा है तब आपको सेटअप नहीं करना है, अगर कंट्री में नहीं दिख रहा है, अगर जब तक इंडिया नहीं तब तक सेटअप आपको नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। और मे भी ऐसा तक कभी आपको दिखे भी ना, तो पहले इसको डेस्कटॉप यानी अपने आप क्रोम पे जाओ, डेस्कटॉप मोड में भी ओपन करके आप चेक कर लो कि कंट्री क्या दिख रही है, आपको सब समझ में आ जाएगा, पूरा ट्रैक करके फिर आपको कंप्लीट फिनिश सेटअप कंप्लीट कर देना। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, वीडियो सब तक फैला दो भैया, जिन लोगों का परफॉर्मेंस बोनस है वो लोग भी बेचारे बच के रहें और वो भी सेफ जोन में अपनी रेवेन्यू जनरेट करते रहें। तो बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। बाय एंड टेक केयर।